हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग है बस स्टैंड से लेके बिट्स कॉलेज तक का। ये मैं हूँ और मैं अभी बस स्टैंड में खड़ा हूँ। अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, वीडियो में पूरा बस स्टैंड से लेके बिट्स कॉलेज तक चलाऊँगा, वो भी फास्ट फॉरवर्ड में। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, तो लगातार आप वीडियो को देखते रहिए। बस स्टैंड से बिट्स कॉलेज तक की दूरी है 5 किलोमीटर और ऑटो वाले जो है बस स्टैंड से लेते हैं 30 रुपये। ठीक, यह है अपना बस स्टैंड। तो अब ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। ये हम लोग सर्किट हाउस चौराहा पहुंच गए हैं, हम लोगों को सीधा जाना है। अब हम लोग ये ब्रिज पुल में चढ़ रहे हैं, ब्रिज पुल पार करते ही जो है सिविल लाइन आ जाएगा। ये हम लोग सिविल लाइन पहुंच चुके हैं, हम लोगों को सीधा ही चलना है। ये हम लोग पन्ना नाका पहुंच चुके हैं, अब इसके आगे चलते हैं। ये हम लोग पतेरी चौराहा पहुंच चुके हैं, अब यहीं से हम लोगों को राइट मुड़ना है। ये यहाँ पे बजरंगबली का मंदिर है, अब हम लोग यहीं से जो है राइट मुड़ जाएंगे और हम लोगों को सीधा जाना है। रास्ता बहुत खराब है, लेकिन हमें सीधे जाते जाना है। आगे एक तालाब पड़ेगा, वहां से हमें राइट मुड़ना है। ये देखिए, राइट साइड में एक तालाब है, यहीं तरफ से हम लोगों को मुड़ना है। आगे थोड़ा रोड का काम चल रहा है, लेकिन हमें सीधा चलते जाना है, अब ज्यादा दूर नहीं है। ये है अपना बिट्स स्कूल, और बिट्स स्कूल के जस्ट बगल में है हमारा बिट्स कॉलेज। यही है अपना बिट्स कॉलेज, और इसी में बहुत लोगों के जो है एग्जाम सेंटर आते हैं। इसके तरफ है ये बिट्स कॉलेज के जो पीछे तरफ है, यहाँ पे एक ION जोन, कंप्यूटर जोन है। वहाँ पे जितने भी जो है ऑल कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं सब वहीं होते हैं। ठीक है, तो अपन लोग अंदर अभी चलेंगे। यहीं पे बैग रखने की फैसिलिटीज़ भी है, यहाँ पे कैंटीन में बैग रख सकते हैं, वहाँ पे 20 रुपये लेते हैं, मोबाइल के साथ रख सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम करिएगा, ये जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे, यहाँ पे कॉलेज के सामने एक कैंटीन रहता है, वहाँ पे आप अपना मोबाइल और बैग रख सकते हैं, 20 रुपये लेते हैं। ओके,
I never thought I'd feel like this.